मतलब छोटा चाय का कप आता है ना, उसमें वो गोली को पूरा घोल देना, चाहे 250 mg की हो चाहे 500 mg की हो, ठीक है 3 दिन तक खिलाना। वो पेन किलर जब उसका खत्म हो जाएगा ना तो बच्चे पे कोई असर नहीं करेगा। अरे और दवाई क्या लगाई थी तुमने? एक जड़ी बूटी होती है ना हमारे यहाँ, उसको कट जाता तो उस पर लगा दो तो चिपक जाता है वो। अच्छा, मतलब वो असरदार है? हाँ असरदार तो है उसी से, मतलब एक मेरे पहले बच्चे में भी हुआ था ना अच्छा, गर्दन पे, तो मैंने वही लगाया, सही हो गया था। लेकिन घाव हुआ है? घाव घाव हुआ है क्या? पूरा गर्दन जैसे मांस पूरा निकल गया था, वो लगाया तो सही हो गया था, छिल गया था। नहीं, नहीं अभी अभी जो इसको जो मारा है, मतलब इस पे नुकसान है? चलो वीडियो भेजूंगा आपको कल। वीडियो तुमने भेजा यार, मगर एक भी ऑपरेट नहीं हुई। इसके लिए तुमको बोला था व्हाट्सएप पे भेजो। ठीक है, मैं व्हाट्सएप ये मैंने नंबर पहले ही सेव कर रखा था ना आपका, हाँ अच्छा, यही आर्य नंबर मेरा व्हाट्सएप पे है, यही फेसबुक पे है। अच्छा भाई के चैनल में देखा था मैंने, तब मैंने दवाइयों के बारे में बता रहे थे तो मैंने लिया था। अच्छा ठीक अच्छा अच्छा है सेव करा तो फेसबुक में भी फिर आईडी दिखा दी, फिर मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी आप। अच्छा 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 अब ये होता है ना भाई, देखो बहुत बहुत जने इसमें कितनों का आदमी वो करेगा, मगर जो पेट लवर होता है भाई उसको तो मैं बहुत ही वो करता हूँ, बहुत केयरफुल इसके साथ। हाँ बचपन से पाल ही रहे हैं हम भी, इसी में है। फिर अभी बीच में फिर शौक पड़ गया असील का, तो असील पाल रखे हैं। अच्छा, नहीं जानवर तो कोई भी पालो, शौक से पालो, अच्छे से पालो, वही उसकी हाँ, बीमारी हारी में उसका साथ दो बेचारेगा, दवा बीच दारू। हाँ जी, में बीमार रहता फिर डॉक्टर के पास गया था, फिर मैं फिर पूछता रहता ना गुड़ का पानी हो गया ये चीजें, थोड़ा वैक्सीनेशन तो नहीं करते, वैक्सीनेशन करनी भी नहीं आती ना एक तो, फिर नॉलेज भी नहीं हुई। वैक्सीनेशन तो कैसा है मालूम भाई, अगर नहीं किए हो ना हाँ तो कभी नहीं करना। ये यही है, मुर्गी के नीचे बच्चा सही रहता सुई का मामला होता है, है। अगर हड्डी में लग गई तो सूजन आ जाएगी, जानवर मर भी सकता है, इनको मांस में देना पड़ता है। लेकिन कम ही पालते हैं हम भी, ज्यादा नहीं, जी कम ही पाल रखे हैं ना अभी तो, मतलब 30-35 हो गए। अच्छा, एक माशाल्लाह। एक दो पाले थे, ऐसे करते करते बढ़ता रहा कारवां, फिर बेचते भी हैं, फिर ऐसे ही है। तो अच्छा, सब घर के ही ना तुम्हारे, के बाहर से लाए हो? बाहर से लिए मैंने, भी घर में पाले ना बच्चे बनाए, बेचते कम ही है मतलब। नहीं, ये बच्चे पहले तुमने बच्चे लिए होंगे, फिर घर में पाल के फिर उनकी आबादी बढ़ी ना, जैसा हाँ, बाहर से तो नहीं खरीदे हो ना। अच्छा ना इतना नहीं, मैं एक दो मुर्गी ली थी मैंने शुरू में, वो भी जानने वाली थी, तो अच्छा धीरे धीरे करके अपने चैनल में बना रखी मैंने पूरी वीडियो, अच्छा अच्छा पूरा वीडियो के उससे ही चलते हैं हम अपने। थोड़ा अच्छा अच्छा बहुत सीखते हैं ना ठीक उनके आरे भाई से भी सीखते हैं, थोड़ा और कोई यूट्यूबर होता है उनका भी देखते, फिर बनाते हैं वीडियो वीडियो, फिर अच्छा। और उसकी हेल्प भी कर देते हैं, जिसको किसी को बेचना होता है तो उसका भी लगा दिया। हाँ ना, अच्छा ना भाई, किसी बंदे का काम हो जाता है बेचारे का, किसी शॉपिंग के पास चीज चली जाती है ना। हाँ अभी एक के एक ने लिया, मेरे जानने वाला ही था, उसने यूट्यूब से देखा, रुद्रपुर से लिया है, वो 2200 रुपए का लिया था मुर्गा 10 महीने का। तुम खास रुद्रपुर के रहने वाले हो? मैं हल्द्वानी रुद्रपुर से दूर हुआ, मैं घुमाऊं भाई, सब घुमाऊं। हाँ, यहाँ आए हो आप? काठ गोदाम, हल्द्वानी, रुद्रपुर में मेरा एक दोस्त रहता अरे है। हम लोग कैसे गए थे बताओ तुम्हारे को? बाय रोड गए थे, जैसा दिल्ली मुरादाबाद हाँ, और अल्लाह ने की दे रामपुर बिलासपुर, इधर फिर बीच में बरेली शरीफ लगा हम लोगों को। मैं पहले रुड़की रहता था ना वहीं। रुड़की, रुड़की भी मेरे को मालूम है, पूरा घुमा रुड़की में। आप रुड़की में ये क्या क्या बोलते, साबिर पिया की जो दरगाह है ना, हाँ, कलियर शरीफ, हाँ कलियर शरीफ, तो मैं पहले तो रुड़की रुड़की जाना पड़ता है, फिर वहां से टांगा मिलता है। रुड़की बहुत अच्छा लगा मेरे को भाई, सबसे अच्छा रुड़की लगा, साफ सफाई के मामले में तो लोगों, बहुत अच्छी जगह है वो, और पूरा बहुत। कैंट एरिया, कैंट एरिया है ना, पूरा मिलिट्री का एरिया है। हाँ हमारे पिताजी भी वही मिलिट्री में करते थे ना, तो अच्छा, माशाल्लाह। ट्राई करी मैंने, तो ना फिर मेरे को इतना शौक भी नहीं था इस चीज का।
मतलब पाले तो हमने पहले से मुर्गी है, देसी मुर्गी। पापा अच्छा भी पालते थे, वो भी देखते हैं, हमारे पापा भी देखते हैं, मम्मी भी, सभी देखते हैं, अच्छा लगता है। हाँ तो अच्छा रहता है यार। देखो घर में किसी भी जानवर का रहना अच्छा सबूत है, दिल भी बहलता है। आदमी जो है देखो जानवर पालने से ना आदमी एक दूसरे की पंचायत से बचता है, झगड़े फसाद से बचता है, किसी की बुराई करने से आदमी बचता है, कोई भी हाँ जानवर पालने वाला बंदा। शौक में सही रहता है, अच्छा रहता है, जानते मतलब उसको भी। जानवर पालने वाले को एक फिक्र सी लगी रहती है, एक धुन लग जाती है उसको, यार मेरे जानवरों को खिलाओ, यार कोई बीमार तो नहीं है उसके चेक करो, अगर बीमार होता तो फिर इंसान ऐसा हो जाता है कि खाना भी नहीं अच्छा लगता है, फिर पहले साल इसको अच्छा करो, ये हाँ दिमाग में आदमी के एक बस जाता है बस कि हाँ नहीं बकरी, यार इसको कैसे ठीक करूँ मैं आज भी तो मेरी बकरी पे भाग पड़ा, फिर मैं इंजेक्शन लेके आया था उसका, जो इसको। बकरी पे तेंदुआ। हाँ बकरी पालते हो तुम? क्या बकरी भी पालते हैं हम तो, बकरी बहुत 3-4 साल, क्या हुआ था बकरी को? अच्छा तेंदुआ चिपट गया था जंगल में, वो गुलदार। तो तुम ऐसे बाहर छोड़ देते क्या उसको चरने के लिए? नाम लेके आते हैं ना, साथ ही जाते हैं, चराने भी जाते हैं, हम तो इसे शौक करते हैं, नौकरी नहीं करते, मतलब यही काम है हमारा, गांव में रहते हैं ना हम। अरे तो कोई बुरा काम थोड़ी मेरे भाई, ना ना, बढ़िया काम है, अच्छा काम है, पैसा भी ये तो आता बहुत है। अच्छा सवाब का काम है, तो बकरी पालना बहुत बरकत है इस काम में। मतलब हाँ वही है यहाँ। तुम लोगों की हाजिरी में तेंदुए ने पकड़ लिया? अच्छा हाँ मेरे वो, फिर मैंने हल्ला करा, भाग गया था, फिर बकरी लेके आया, इंजेक्शन लगाया था फिर मैंने उसका। बकरी को तुमने इंजेक्शन लगाए? हाँ मैं लगाता हूँ सारी दवाइयाँ होती हैं, कौन कौन सा इंजेक्शन लगाए? हाँ तो जो होता है, जो कुत्ता होता है काट लेता है, रेबीज का होता है क्या कहते हैं उसको। हाँ सबसे पहला टेटनस लगता है। हाँ और रेबिस का तो आता है, टेटनस टेटनेस का, हाँ सही कह रहे हो, टेटनेस का लगाया था। से क्या होता है पॉइजन नहीं होता है। हाँ हाँ वही लगाया था फिर मैंने, ध्यान सेप्टिक नहीं रहेगा उसको। में नहीं रहता ना अभी दिमाग, एक तो रेबीज अच्छा रेबीज ही निकल रहा है, एक तो आपसे बात कर रहा हूँ बहुत दिन, मतलब वैसे ही होता है ना, हड़बड़ाहट, जी हाँ। शर्मिले हाँ टाइप तुम्हारे का। हल्द्वानी में, हल्द्वानी में तो जंगल काफी है भाई। हाँ काला डूंगी के पास रहते हैं हम यहाँ। हाँ नहीं जगह बहुत अच्छी है, काठगोदाम, हल्द्वानी, रुद्रपुर, ये सब मेरा देखा हुआ है सब कुछ। मैं रुद्रपुर में वो बस स्टैंड है ना तुम्हारा रुद्रपुर का, 3 दिन वहां पे था। अरे हाँ 3 दिन वहां स्टे किया था मैंने, चलो, वो करीब में ही करीब, वो बस स्टैंड से बहुत करीब है उनका घर। तो हाँ तो यहाँ भी मुर्गी मैं उर्गी के लिए आते हो या ऐसे ही आते हो घूमने के लिए। नहीं, मैं पहले एक्चुअली क्या मालूम, मैं 8 साल पहले दिल्ली में रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ बात कभी की मालूम है, समझो सन 2011 या 12 की बात बता रहा हूँ। अरे हाँ 2007 से 14 तक मैं दिल्ली में था, तो दिल्ली से तो सब जगह काफी नजदीक है, दिल्ली से तो दिल्ली एक जंक्शन है, वहां से चाहे तुम पंजाब चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, यूपी के भी किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, सब करीब है। और फिर वहाँ आस पड़ोस में सब दोस्त जो थे, कोई साहिबाबाद का था, कोई रुद्रपुर का था, कोई बिलासपुर का था, कोई रामपुर का था, उनके साथ में जाना होता था मेरा, और फिर दरगाह वगैरह पे जाता था, वहाँ दरगाह की सलामी करते, फिर चलो यार ऐसा मन मना लिए, चलो यार चलो वहां जाके आते, ऐसा तो हो या करते थे हम लोग। तो मुर्गे कब से पालते हो आप, बचपन से ही पालते हो बता रहे थे बहुत छोटी उम्र से पालता हूँ मैं, आप। बाकी जब दिल्ली में था ना तो दिल्ली में मेरे पास कोई मुर्गा वर्गा नहीं था। हाँ मगर ये था अड़ोस पड़ोस में भी जो पालते थे ना, अरे भाई ऐसा हो गया अच्छा ऐसा कर लो, तो भाई वो लोग एकदम दीवाने हो जाते थे कि यार तुम ऐसी दवा बताते हो कि साला एकदम गोली की तरह लग जाती है। हाँ तभी मैंने मैंने कहा यार दवाई का भी नॉलेज नहीं है मेरे को, थोड़ा इनसे संपर्क करूंगा तो थोड़ा बहुत मेरे को हेल्प मिल जाएगी, सोच रहा था फिर फेसबुक पे फिर वैसे ही करके बात करी ना। हाँ 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 हाँ
कोई बात नहीं, फोन फोन टाइपिंग से अच्छा तो है ना, मुंह से बोला हुआ और कानों से सुना हुआ इंसान के दिमाग में रहता है। अब इसमें क्या होता मालूम है, अपन टाइप कुछ और करो और हो जाता कुछ और। अभी मैं खुद देखा, मेरे दो आपको लिख के भेजा, वो भाई की जगह बट हो गया। अरे हो जाता है, मेरे से भी हो जाता। हाँ वो कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड जरा सा अभी टच वाले मोबाइल में ये लफड़ा है। हाँ जल्दी जल्दी करने के चक्कर में ना अच्छा हड़बड़ाहट में हो जाता है, मेरे से तो बहुत होता है थोड़ा, अच्छा क्योंकि जल्दी जल्दी करना होता है, क्योंकि आदमी फिर बात करे या ना करे वाली बात भी है मेरा ये। नहीं अरे नहीं सही, उनके चैनल में भी डाली थी मैंने ना अपनी बेगम मुर्गी एक बार पहले, आरिफ भाई ने भी कहा था ना अच्छा हाँ। नहीं वो। उस टाइम तो आपसे वाकिफ नहीं थी ना, इतना हाँ थोड़ी ध्यान में रहता है ना भाई। हाँ वो तो मेरा चैनल ही हट गया वाला, उसमें मैंने लड़ाई की ज्यादा डाल दी थी ना वीडियो। नहीं, लड़ाई देखो एक बात बोलूँ मनदीप भाई, जिंदगी ना में सबसे एक अच्छी बात बताता हूँ, मुर्गे लड़ाना छोड़ दो। ना हम नहीं लड़ाते हैं, हम तो बस पालते हैं, 20 रुपए मैं से बहुत, कहाँ आता है, कौन लगाएगा मैं उस इस पर। चीज से, मैं इस चीज से सख्त खिलाफ इंसान हूँ। मैं तो वैसे डालता था ना व्हाट्सएप पे, वीडियो आती थी मैं देखता रहता था, तो वैसे करके लोग देखते थे, फिर इसने यूट्यूब ने भी बैन कर अच्छा दिया। उसमें उसमें नुकसान तुम्हारा हुआ ना, तुम्हारा चैनल बंद हुआ ना, फिर हाँ वो तो है, इसलिए आप मुझे नॉलेज भी नहीं हुआ ना यूट्यूब का पहले, फिर मैंने सर्च करा क्या है यूट्यूब, फिर ये जो लड़ाई देखा। वगैरह कराते ना, ये कानूनन जुर्म है हाँ ये तो है। और इंसानियत के नाते तो बहुत बड़ा जुर्म है। हम तो वैसे भी लड़ते हैं लगते हैं, वो मैं हटा देता हूँ। ये कोई भी ईश्वर बोलो अल्लाह बोलो, सबकी तरफ से इस चीज की ममानियत है, इस चीज को तुम करोगे तो तुम्हारे पास सिर्फ पाप की गठरी जमा होगी, पुण्य हाँ मिलने वाला नहीं तुम्हारे को। जानवर को पालो, मोहब्बत से पालो और खुलूस से पालो। हाँ तभी तो मैंने वो उसके दवाई कर रहा हूँ मैं अभी, नहीं हाँ तो। नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है भाई, वो तुम्हारे नामे अमाल में लिखा जा रहा है। अरे मेरे कितने बकरे अकरे पहले मरे ना बीच में, वो पता नहीं क्या होता था, उसको दिक्कत होती थी, बच्चे नहीं होते थे, फिर मैंने बच्चे करने बंद कर दिए, फिर मैंने कहा यार बच ही नहीं रहा बीच में। बच्चे मतलब बचते नहीं थे। अच्छा हाँ बकरियों के मतलब कुछ कमी आ गई थी उनकी बॉडी में, डॉक्टर से कंसल्ट करा था ना मैंने, तो बच्चे गंजे हो रहे थे, फिर वही दिक्कत थी, फिर मैंने कहा यार छोड़ो। भाई कैल्शियम, कैल्शियम अगर बकरी गाभिन है, जैसा भी तुम्हारा पहला महीना तुमको ऐसा लग गया कि गाभिन हो गई है, तो उसको मल्टी स्टार पिलाया करो। हम तो ऐसे जंगल ही चराते हैं वैसे, बड़ी बकरियों में ज्यादा दिक्कत आती, बर्बरी होगी जैसे, ये छोटी ब्रीड होगी इसमें दिक्कत कम है। बड़ी ये राजस्थानी में ना, हाँ इसमें बड़ी दिक्कत है, इसमें मतलब बच्चा बचता नहीं। वो क्यों मैं बताऊँ आपको, वो क्लाइमेट उनको सूट नहीं होता है। अभी तुम जहाँ रह रहे हो वो ठंडा मौसम है, तुम्हारे यहाँ जो है शायद ही मेरे को लगता है साल में 2 महीना अगर गर्मी पड़ी तो पड़ी। ना इस साइड को तो तब भी थोड़ा गर्म है, ऊपर को है मतलब, यहाँ तो 6 महीना 4 महीना लगता है ये गर्म। अच्छा हाँ मतलब ऐसे बारिश हारिश भी होती रहती है, उससे भी मतलब सेट तो हो जाती है बकरी, लेकिन उससे सेट हाँ बीमार ये यहाँ पैदा हो या अगर बाहर से लाएंगे तो वो तो बहुत बीमार हो जाती है। हो जाएगी, 100% होगी। ये राजस्थान की जो नस्ल आती है ना, ये बहुत ऐसा तो टफ है क्योंकि वो गर्म ममालिक में, राजस्थान बहुत गर्म जगह है, खुला हाँ राजस्थान। यहाँ बनती नहीं अच्छी, हाँ, तुम बर्बरी पाल लो बर्बरी। और तुम्हारी तुम्हारी देसी कोई भी बकरी पाल लो तुम, वो वहां पे पनप जाएगी। राजस्थानी बकरी दिखने में खूबसूरत है, दिल डॉल बॉडी स्ट्रक्चर उसका बहुत प्यारा होता है, मगर वो जल्दी सूट नहीं। बम्बई का भी यही हाल है, राजस्थान से जो लेके अगर कोई होशियार आदमी पाल लिया तो वो बचा लेगा। नहीं वही है, अगर भी हाँ मैं भी वही एंटीबायोटिक और लीवर टॉनिक का ही है सारा खेल। एंटीबायोटिक तुम उनको दिया करो ना। हाँ एंटीबायोटिक वही है, मैंने करता हूँ मतलब इलाज तो मैं पूरा करता हूँ, बकरियों का तो नॉलेज हुआ ही, देखो बकरियां तुम्हारी चाहे लेकिन देसी हो, मेरी बात सुनो, बकरी चाहे तुम्हारी देसी हो, चाहे तुम्हारी अजमेरी हो, चाहे तुम्हारी बर्बरी हो, अगर बकरियों से तुम अच्छी ब्रीड लेना चाहते हो और उनको तंदुरुस्त रखना चाहते हो तो थोड़ा सा तुमको पैसों का योगदान करना पड़ेगा। हाँ वैसे तो जंगल का ही कर चलते हैं हम, और भी ये चलाते हैं दवाइयाँ पे बीच में दे रहे थे डॉक्टर लोग ना। तुम मल्टी स्टार अपना लो, तुमको इंशाल्लाह कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अरे एक मुर्गे के ऊपर भी पूछना था मैंने। एक मुर्गा था ना मेरे पे, तो उसके पैर बिल्कुल ऐसे पोलियो टाइप के हो गए हैं। मतलब कीड़े हीड़े की दवाई नहीं दी थी बीच में मैंने, मैंने सोचा हल्दी खा रहे हैं तो उससे हो ही रहा होगा। सूखे सूखे में आ गए थे। हाँ सूखे में मैं अभी उसकी भी वीडियो भेजूंगा। मैंने दवाई हवाई करी, मतलब अब तो जान में आ रहा है वो थोड़ा। इन लोगों को क्या होता है मालूम, मुर्गों को, मुर्गा हो या बकरी हो, अगर कीड़ों की दवाई तुमने नहीं की टाइम पे तो फिर ये खाना खाना छोड़ देंगे, ये मट्टी खाएंगे, चूना खाएंगे, घर की जो अपन पोताई करते हैं ना उसको उखाड़ के खाना शुरू कर देंगे। ये जो इनके पेट में जो वर्म्स होते हैं ना भाई, वो उनको पेट के अंदर खुजली पैदा करते हैं। जब खुजली पैदा करते हैं ना तो ये एकदम बेचैन हो जाते हैं, बाजे बाजे औकात तुम देखोगे छोटे छोटे कंकर आते हैं ना वो भी सोच में भर लेते हैं अपनी। और तुमने अगर वक्त के चलते तुमने इनकी डिवॉर्मिंग कर दी, जैसे आज कर दिए, कल तुमको थोड़ा रिजल्ट दिखा, फिर कल भी कर दो। अगर थोड़ा सा रिजल्ट कम दिख रहा है तो फिर कल भी कर दो, और एक ही दिन में रिजल्ट अच्छा दिख गया तुम्हारे को तो फिर कल मत करो। 2 दिन करनी पड़ती लगातार। हाँ 2 दिन करो, अच्छा रहता है, पूरा पेट सफाई हो जाता है इनका। मैं और वही फिर गलती कर रहा हूँ, हाँ? मैं एक ही दिन करता हूँ ना, फिर अगले दिन लिवाटोनिक चला देता हूँ, नहीं, 2 दिन करो तुम। फिर उसके बाद तीसरे दिन से और लिवाटोनिक। नहीं लीवर टॉनिक वो दिन भी दोगे तो कोई तकलीफ की बात नहीं दोस्त, लीवर टॉनिक अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगी। लीवर टॉनिक चाहे बकरी हो चाहे मुर्गी हो, लीवर टॉनिक इनको 110% पिलाना जरूरी होता है। जब इनको हम लोग को एंटीबायोटिक देते हैं या कीड़े की दवाई देते हैं, इनके डायरेक्ट पहले लीवर पे असर होता है, क्योंकि हाँ मैंने खुद हम लोग ऑब्जर्व करा ना। हाँ एक एक दिन में वो कौन सी मुर्गियों को होता है एक दिन में मालूम है, जिसकी हमेशा डिवॉर्मिंग हो रही है। जैसा तुम बराबर किताबों में लिख के रखे हो भाई, मैंने ये मुर्गी कितनी तारीख को किया था, अब इतनी तारीख को करना है, तो वो वहां पे जो है डिवॉर्मिंग सक्सेस हो जाती है एक दिन में। फिर उसके बाद कितने मतलब दिन में, 2 महीने में या 3 महीने में? भाई तुमको जैसा रिजल्ट दिख रहा है, ये अरे कोई जरूरी नहीं है कि 3 महीना, अगर तुमको किसी उस्ताद ने बोला तो तुम 3 महीने की कसम खा के बढ़ जाओ, ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं हम है। तभी पूछ रहे गुरुजी आपसे कि मतलब कि आप, मतलब आप लोग भी तो करते होंगे ना, उसी हिसाब से हम भी करेंगे। डिवॉर्मिंग डिवॉर्मिंग की शराइत क्या होती है मालूम है, जैसे आज देखो गुरुवार का दिन है, एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, आज गुरुवार का दिन है, अब अगला गुरुवार आने तक का टाइम कितना हो जाएगा, 8 दिन का टाइम हो जाएगा। अगर उस गुरुवार के दरमियान मैंने अगर 2 दिन डिवॉर्मिंग किया और फिर भी मुझे मेरी मुर्गी के अंदर वो कीड़ों वाली हरकत दिख रही है, तो मेरे को वो डिवॉर्मिंग नहीं करना है। अगर 7 दिन मेरे पार हो गए हैं और फिर मेरी मुर्गी के अंदर मेरे को हरकत दिख रही है तो मैं उसकी डिवॉर्मिंग कर सकता हूँ। 7 दिन तक है ना इनका अंडा खाया जाता है, ना इनका मांस खाया जाता है, क्योंकि इनकी बॉडी में वो इन्फेक्शन होता है हाँ उस दवाई साथ से। कोई 28 दिन भी बोलते सब वैसे उसमें लिखा रहता है। भाई बोलने को देखो लिखा हुआ है ना, लिखी हुई चीज भी कभी कभी गलत होती है, चीज ध्यान रखना। हाँ ये भी है। तजुर्बा जो होता है ना जिंदगी में बड़ा होता है, एक्सपेरिमेंट। अभी तुम जो भी दवाई कर रहे हो ये तुम्हारे पास तजुर्बा जो है, तुम्हारे मरने तक तुम्हारे पास वो तजुर्बा साबित रहेगा। हाँ तुम वो किसी को भी बोल सकते हो ठोस बजा के कि भाई मैंने किया हूँ और मुझे मालूम है, ऐसा होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि मैंने आज कर दिया तो फिर अगले 3 महीने में करूँ। हाँ 3 महीने के दरमियान अगर तुम्हारे को मुर्गी में कोई हरकत नहीं दिख रही है तो फिर तुम 3 महीने में करो, कोई तकलीफ की बात नहीं है। और मुर्गी अगर तुम्हारी उस बीमारी की शिकार है और तुम बोलोगे नहीं यार अभी तो 1 ही महीना हुआ है, तो वो 2 महीना इंतजार करने तक तो मुर्गी चल देगी तुम्हारी। हाँ वही चक्कर रहा ना मेरा। मैंने कहा 3 महीने में करूंगा करके, तो उस चक्कर में 6 महीना निकल गया, तो वो बच्चा तब बैठने लगा। फिर मैंने कहा यार हाँ करता हूँ डिवॉर्मिंग करता हूँ इसकी, फिर मैंने कीड़ी की दवाई लाया, फिर निकले उसके पेट से कीड़े। और बकरियों को तो इतना कीड़ा होता है क्योंकि अल्लाह ने बकरियों का पेट ऐसा बनाया ना भाई, इनके पेट में जल्दी वॉर्म्स पैदा होते हैं। मुर्गियों में तो उतना नहीं होता है मगर बकरियों में बहुत ज्यादा होता है।
हाँ मैं ना उस टाइम मतलब जब गिरी ना बच्चे तो उस टाइम मैंने दवाई भी दी थी ना, कीड़े की नील जान करके आती है वो दी थी दवाई। नहीं 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 देखो, कभी भी है ना दवाई के मामले में यूट्यूब बहुत बड़ा बादशाह है। और अगर बकरी के मामले में तुमको फॉलो करना है ना, तो यूट्यूब में आते हैं डीडी रमावत, दीनदयाल रमावत जी, उनको तुम फॉलो करोगे ना, उन्होंने हर बीमारी हर मौजू के लिए क्लिप बना के रखा है लोगों के लिए। चलो ठीक। देसी भी बनाया है और अंग्रेजी भी बनाया है, अंग्रेजी दवाई भी बताते हैं, देसी तरीका भी बताते हैं। बकरियां पालते, कितनी बकरियां हैं तुम्हारे पास? मेरे पे 6-7 हैं। अच्छा 6-7 है ना, अच्छा माशाल्लाह। तो तुम वो देख के ना हर चीज करना, वो बहुत अच्छे बहुत बड़े गुरु है समझो, वो बकरियां हो गई गाय भैंस हो गई उसके मामले में बहुत अच्छे इंसान है। गाय भी है हम पे गाय। हाँ तो तुम देखो ना भाई, गाय के बारे में बहुत दिखाते हैं लोग, इनके पेट में अफरा हो जाता है, पानी भर जाता है, खाना पीना बंद कर देते हैं लोग, या इनको बदहजमी भी हो जाती है, कोई ऐसा अनाज अटपट अपन खिला देते हैं ना इनको, या ये अपने आप से खा लेते हैं तो कीड़े से भी फिर होता है पेट। कुछ, कीड़ा कीड़ा खा ले कोई। हाँ ये तो ये सब जो है शुद्ध शाकाहारी चीजें हैं, इनको कोई भी मांस विस की चीज नहीं चलती, बकरी हो गई गाय हो गई। तो कभी भी अल्लाह अल्लाह करे बकरी और गाय के मामले में अगर तकलीफ हो ना, तो किसी से मत पूछो, डीडी रामावत यूट्यूब में वो किंग ऑफ, समझ लो किंग ऑफ गोड एंड अदर एनिमल, बहुत अच्छा इंसान है, जानकार इंसान है। उनका व्हाट्सएप नंबर भी रहता है, मगर व्हाट्सएप पे कभी जिंदगी में जवाब नहीं दिए किसी को। हाँ पता नहीं लोग क्यों थोड़ा सा यार अपने एटीट्यूड में आ जाते हैं, अरे किसी को बताओ ना, जब किसी को मालूम नहीं तब तो अगला तुमसे बात करना चाह रहा है। हाँ जब आदमी मिलेगा तभी। फिर कोई चैनल, आप चैनल नहीं बनाते हो कोई? नहीं नहीं भाई मैं एकदम सादा सीधा इंसान हूँ, अरे नहीं मेरा कोई चैनल आपकी नहीं। वैसे वैसे मैं भी नहीं बनाया था। मैंने ऐसे शौक शौक में चैनल बना दिया, फिर धीरे धीरे करने लगा ना ऐसे एडिटिंग एडिटिंग देखता रहा उसमें। हालांकि मेरे को ये आरिफ भाई हमेशा बोलते हैं, आरिफ भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो भी, उनकी वीडियो बहुत हमें अच्छी हाँ आती है। हमेशा मेरे को बोलते हैं अरे तुम भी चैनल बना, नहीं भाई मेरे को चैनल नहीं करना है, तो जबरदस्ती मेरे को पकड़ के खड़ा कर देते मालूम है, अरे तू सही तो करते हैं जबकि यार, अब ऐसे अच्छे आदमी मतलब कहाँ मिलते हैं ये तो बताओ। तो मेरे को शर्म भी आती थी, एक दो बार तो मैं शर्मा भी गया हूँ ना ना ऐसे मगर। कुछ कोई वो थोड़ी होता है उसमें। अगर यार आदमी अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कराएगा, देखो अगर इंट्रोड्यूस कराया उन्होंने तभी तो हमने आपको फॉलो करा, फिर बात कर रहे हैं अभी। नहीं सही बात है, तो इससे यही तो है, मैसेज अच्छा जाता है ना आदमी को कि भैया हाँ देखो वो हमारे ऐसे हैं, हम औरों को भी देंगे तो फिर वो थोड़ा बहुत नॉलेज उनको भी आ जाएगा, सीखने सही को बात है, सही मिलेगा। बात क्यों है। तो उसी उसी चीज को लेकर मतलब सही कहते हैं, एक प्रकार से देखा जाता है चैनल बनाने में मतलब कोई कुछ थोड़ी जाता है। एक्चुअली मेरे को सब चीज में इंटरेस्ट नहीं है, सही बताओ मैं आपको। हाँ ऐसा तुम मेरे को तुम 10 बार फोन करोगे ना मैं छेड़ूंगा नहीं, अरे मगर वो यूट्यूब का जो एक चक्कर है ना भाई, वो एटीट्यूड लगता है मेरे को, वो चीज नहीं पसंद मेरे को। नहीं वैसे थोड़ी वैसे मतलब अगर आदमी वाला देखो, हम नॉलेज अच्छी भी दे रहे हैं वहां पे, बुरी भी दे रहे हैं ना, कभी कभी हमसे भी हाँ गलती जी होती है तो उस टाइम हाँ वो तो होती है पे भाई, मतलब ये भी चीजें होती है ना। आप जैसे मतलब चलो पीछे से सपोर्ट तो कर ही दोगे हमारे, थोड़ा बहुत हम बोल देंगे और आरिफ क्या। हमें तो ठीक ही भाई, लगा आरिफ और क्या, हम भाई भी बेचारे बोला करते थे और मैं हंसता था खाली, फिर बोले नहीं यार तुम खाली हंसते हो, तुम किस पे क्लिप पे बात भी क्या करो, तो फिर मैं करता था। हाँ मतलब सही लगता है, मतलब सही बोलते हो, मतलब कोई नॉलेजेबल अगर आदमी मिलता है तो थोड़ा बहुत मतलब जो जमीन से जुड़ा रहता है ना उसका अलग ही पहचान में आता है, क्योंकि बिल्कुल 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 उसका बोलने का तरीका जैसे समझाएंगे वो, जैसे मतलब आरी भाई भी बहुत अच्छे से समझाते हैं, तभी तो हाँ चैनल हाँ देखते थे, फिर यूट्यूब में फिर बोल रहे थे वो। फिर मैं इसी चक्कर में मैंने फिर वो इंस्टा क्या क्या कहते हैं वो यू ट्विटर ट्विटर में भी आ गया मैं, हाँ ट्विटर इंस्टाग्राम, फिर वो कह रहे थे मेरे चैनल को ऐसा करना है तो मैंने वो रिट्वीट अरे भी उनका करा भी था। तो एक चैनल बैंड हो गया ना भाई, खाली हाँ वो किस बात पे बैंड किया कि जानवर को पकड़ते क्यों, जैसे अभी तेल का जो जानवर था उसको तो पकड़ के इसकी लंबाई लंबाई दिखाना पड़ता ना,
तो बस इतनी बात तो उसने वो एमडी आरिफ जो था ना ओपन कर दिया था ना। पहले सर्च मारते थे सबसे ऊपर उन्हीं का आता था नाम। मैं तो तो बैन तीन कर दिया। चार साल से फॉलो कर रहा हूँ, मतलब जब से मैं यूट्यूब में आया हूँ मैंने उन्हीं के वीडियो ही देखे शुरू शुरू में। हाँ, फिर अच्छा उन उन्होंने भी सब बताए, सारी क्लिप है उनकी, सारी हर बीमारी की क्लिप है। बहुत, फिर आजकल तो दवाइयों का ज्यादा डाल रहे बकरियों का। हाँ अभी बकरियां उनके पास भी है ना, सर्दी बोर बकरी भी लेके आए हो। बुखार के लिए तो अभी वही अच्छी सबसे दवा इंडोटास बीएच, बहुत अच्छी चीज है वो। यहाँ पे मगर दिक्कत क्या होती है, तुम लोगों के वहां मिलती नहीं है, लफड़ा ये हो जाता है। अब तुमको अगर नहीं लेना है, तुमको ऐसा। अगर दवाई लेनी है तो तुमको बरेली शरीफ जाना पड़ेगा, क्यों नहीं तो इनसे बेटा? मंगवा लिए जाएगी तो सही रहता है अरे पैसे, अच्छा ना। ना जैसे मतलब ये दवाई वाले हैं हमारे ना, अच्छा इनसे कहने में मतलब बाजपुर साइड सस्ती है, यहाँ तो महंगी देते हैं थोड़ा। वो हाँ थोड़ी बहुत तो फर्क पड़ ही जाएगा ना भाई। पूरा रेट टू रेट देते ना। हाँ अब ये लामा या जो कभी कभी भूले भटके अगर तुम्हारा किसी बड़े शहर की तरफ जाना हुआ हो, रुद्रपुर में भी शायद मिल जाएगी। रुद्रपुर में बड़े वो है केमिस्ट हाँ बड़ी केमिस्ट्री नहीं मतलब है, बड़ी। वेटनरी शॉप होना चाहिए। हाँ वही। ये तुम्हारा ये जो इंसानों का जो बोलते हैं ना उसको ह्यूमन, ह्यूमन मेडिकल में नहीं मिलेगी। कोई कोई ह्यूमन मेडिकल वाला मतलब कैसे रखते मालूम बोलो, जैसे भी समझो आप रह रहे हल्द्वानी में और मैंने वहाँ इंसानों का मेडिकल खोला हूँ, अब मेरे पास दिन भर में अगर 100 कस्टमर आ रहे हैं तो 100 में 90% आ रहे जानवर की दवाई मांगने वाले। तो अगर मैं उस मेडिकल का ओनर हूँ तो मेरे दिमाग में क्या आता है कि यार यहाँ पे साला जानवर के शौकीन लोग बहुत हैं, दिन भर में 100 कस्टमर आते हैं तो 10 दिन खाली इंसान की दवाई पूछते हैं और 90 जन साला जानवर की दवाई पूछते हैं, तो यार मैं जानवर की भी दवाई रखता हूँ। तो फिर और जब मैं लेके आऊंगा तो मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी, मतलब 90 नहीं अगर रोज के 50 भी कस्टमर आए मेरे पास, 40 भी आए तो भी मेरा वो माल जो है वेस्ट नहीं जाएगा ना, ड्यू डेट नहीं होगा। तो फिर ऐसे ही लोग मतलब ह्यूमन का भी रखते हैं और वेटनरी भी रखते हैं, मगर ऐसे मेडिकल बहुत कम होते हैं। अभी बम्बई में है ना ज्यादातर ऐसे ही मेडिकल है, इंसानों की भी दवा है जानवरों की भी, इंसानों की भी है जानवरों की भी है, क्योंकि बम्बई में भी शौक बहुत है ना, बकरों का शौक बहुत है लोगों को यार, बकरों का मुर्गों का। बकरों का। हाँ एक मिराज भाई भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे दिखाते हैं गाने। मिराज मिराज भाई धारावी के, वो भी हाँ माहिम के, माहिम माहिम उनका भी चैनल था, उसको भी करा। फिर पाजी आते थे उनके भी देखते थे। अच्छा। मैं तो यूट्यूब में ही मतलब सारी आधी जिंदगी यूट्यूब में ही निकाल अच्छा दी, मतलब 5 6 साल इसी में चले गया पूरा। देखना हुआ अच्छा सुनना हुआ फिर उसी हिसाब से यूट्यूब वाला ज्ञान हुआ मेरे को ज्यादा। अब अच्छा थोड़ा अपने दिमाग से भी चलते हैं थोड़ा, मतलब उसको जो अच्छा है उसको ले लिया, जो बुरा लगा वो नहीं लिया। हाँ तो ऐसे ही तो होता है भाई, जिंदगी में आदमी कामयाब कब बनता है मालूम है? देखो जब 4 उस्तादों के बीच में बैठेगा, अब उस्तादों के बीच में बैठने की जरूरत नहीं, अब तो यूट्यूब में एक से एक उस्ताद मिल जाते हैं। ना ना तब भी अगर हमको बात जो बात है वो मजा वो ऐसे नहीं आता ना। नहीं मैं आपको बोल रहा हूँ, 4 क्लिप आप देखोगे एक से एक बड़े बड़े फलने खा की, तो आप भी अभी इतने दिनों से जानवर पाल रहे हो, आपको भी अगर रुपया नहीं है 50 पैसा तो आपके पास तजुर्बा है, बाकी का 50 पैसा आपको 4 क्लिप में मिल जाता है, 4 लोगों से बात करके रूबरू, जैसा आप मेरे से आप बात कर रहे हो ऐसा, वो 4 क्लिप में कोई एक तो बंदा ऐसा होगा कि भाई किसी को बात करने का इंटरेस्ट होगा कि नहीं यार किसी से बात कर लूं, और हाँ 4 की जबानी अलग अलग होती है। फिर हाँ आपने भी कभी ना कभी जिंदगी में उसकी बताई हुई दवाई को इस्तेमाल किया होगा। ना मैं तो बस हाँ वही देखता हूँ लगभग लगभग थोड़ा बहुत, जैसे मतलब वही करता हूँ, देसी वाले ज्यादा करता हूँ। हाँ देसी वाले में ना भाई साइड इफेक्ट नहीं होता है। मतलब वही है, लेकिन ये जो मेरे को ये इंग्लिश दवाई का भी सही लगा क्योंकि ये एकदम ही खत्म कर देता सारे हिसाब से। नहीं नहीं ये तुम्हारी सोच गलत है,
और जो देसी का वो भी सही है, लेकिन उसके लिए फिर मतलब नॉलेजेबल आदमी से पूछना पड़ता है। देसी देसी नुस्खा पहली बात तो जानवर को बीमार नहीं करेगा, उसके लीवर फीवर में कोई तकलीफ नहीं देगा, और वो खत्म करेगा, जड़ से खत्म करेगा। अंग्रेजी दवाई जो है ना एकदम गोली की तरह जाके लग जाती है, हाँ, मतलब जल्दी असर करती है, और वो थोड़ा देर में जल्दी करती। जल्दी असर करती है, और फिर वापसी भी आ सकती है। और जो देसी नुस्खा होता है ना वो हमेशा के लिए खत्म कर देता है। अब जैसा बकरियां हैं, बकरियों के लिए इंग्लिश दवाइयां बहुत है, पागल हो जाओगे इतनी दवाइयां हैं कि साला मैं ये लू कि ये लू, ये लू कि ये लू, ये लू कि ये लू। अब तुमको कोई खातरी दिलाएगा कि नहीं भाई एनोटस BH लो, बकरी के लिए अच्छा है, मुर्गी के लिए अच्छा है, तो तुम सामने वाले की बात सुन के बोले यार चलो एक बार इस्तेमाल करके देखते। मगर तुम अकेले अगर चले गए वेटनरी शॉप में या यूट्यूब में देखे तो तुम बोलोगे साला कौन सा यूज करूं, अब कौन सा चॉइस करूं इसमें। और देसी का तरीका जो होता ना, देसी के लिए कोई जरूरी नहीं है कि किसी उस्ताद से तुम पूछो। पुराने जो बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं जो घरों में बकरियां पालते थे, उनसे अच्छा उस्ताद कोई नहीं होगा देसी नुस्खे के मामले में। हाँ, वही मैं तो ऐसे आटा आटा देता हूँ ना इनको आजकल मुर्गियों को। हाँ मुर्गियों का आटा तो ना अच्छा है, बकरी को नहीं देना कभी जिंदगी में। बकरी को नहीं, बकरी को तो बकरी को तुमने आटा दे दिया तो भाई उसका फिर समझ लो कि वो बेचारे के रस्ते लग गए। क्यों? रोटी होटी देते हैं उसे। हाँ रोटी दो, एक रोटी दो रोटी उससे ज्यादा नहीं, एक बकरी को रोटी दो, चाहे ताजी हो चाहे एकदम कड़क की हुई हो, पहले रोटी ना नुकसान नहीं देती है। अंदर ही थे मेरे, तो दिक्कत होती थी, मतलब पर सही नहीं निकाल लेते। अब बाहर को भी निकालता हूँ ना थोड़ा 1-2 घंटा, हाँ तो मतलब चमक भी अच्छी मार रहे हो, वो सही हो रहे हैं मतलब। मुर्गियाँ हाँ, मुर्गियाँ मतलब घास को भी मतलब बड़ा अच्छा करती है, मतलब वो आटा खाती है उसके बाद ऑटोमेटिक ही घास में चल जाती है। तो मेरे भाई घास जो है पेट का हाजमा अच्छा करती है। कुत्ते को तुमने कभी जिंदगी में घास खाते हुए नहीं देखेंगे, घास देखा मैंने कुत्ते बहुत साले। खाता कुत्ता कब खाता मालूम है? जब उसका पेट फूल जाता है या उसको बदहजमी होती है, उसको उल्टी हो जाती है, तो उसके बाद कुत्ता घास खाता है। बैक करता कभी हाँ बाकी कुत्ता कभी जिंदगी में घास नहीं खाएगा, वो उस टाइम मजबूर होके खाता है। और कभी। वो चीज अल्लाह ताला ने उसके दिमाग में दी कि बच्चा तू ये घास खा ले। हाँ सही हो जाता है फिर उसके बाद। उसके बाद सही भी हो जाता है। तो देखो ये नेचुरल चीज है, ये नेचुरल चीज है ना घास तो। हाँ, तो मैं वो वाला इंजेक्शन लगाऊँ फिर उसको, जो मुर्गी है छोटा बच्चा, जो जो कौन सा इंजेक्शन बोले तुम? जो मैंने कुत्ते को लगाया था, जो ही बताया था आपने, मैं नाम ही भूल जा रहा हूँ उसका। कुत्ते को लगाया था? अच्छा हाँ, बकरी को लगा था, बकरी को यार, बकरी को वो जो काटने में ना जहर कम कर देता है। टिटनेस, हाँ, टिटनेस, टिटनेस टिटनेस का इंजेक्शन किसको लगाओगे? नहीं मुर्गी को सोच रहे थे, मतलब बोल रहे थे पापा मेरे। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा आज रहने दो, सिर्फ उसको पेन किलर गोली खिलाओ, पेन किलर लेने लानी पड़ेगी, फिर कल जाऊंगा मैं वहां से लेके आऊंगा। इंसानों वाली। अरे 2 रुपए की एक मिलेगी भाई, महंगी नहीं है वो। हाँ, वो तो मिल जाती है, 1 रुपए की भी मिलती है। तुमको पेन किलर अगर बोलने नाम नहीं याद रहेगा तो बोलना भाई सर दर्द बदन दर्द बुखार की गोली दो, 2 रुपए की एक गोली आएगी। तो डिस्प्रिन भी खिला सकते नहीं तो? डिस्प्रिन, हाँ डिस्प्रिन भी वही है, बराबर बोल रहे हो। वो भी बुखार उखार में तो करते हैं, मैंने करा ना 2-3 बार। क्रोसिन, क्रोसिन, क्रोसिन की भी गोली अच्छी आती है, लंबी वाली, गोल वाली नहीं लंबी वाली। हाँ, क्रोसिन भी है जो सर्दी जुकाम में आती है। हाँ ये मतलब क्या है, अभी जैसे उसको बिल्ली ने पकड़ी है ना, कुछ तो उसको खौफ है, वो डर गया है, अब कुछ उसके बदन में जो है दुखाव आ गया है। बदन का दुखाव कब कम होएगा? जब उसके पेट में मेडिसिन जाएगी। जैसा हम लोग भी थक जाते हैं देखो, हम लोग को भी बुखार आता है, ऐसा मुर्गियों को भी है ना बदन टूट जाता है इनका, जब कोई जानवर इनको पकड़ लेता है, और कुछ डर भी जाते ही। तो तुम और इंजेक्शन के चक्कर में मत पड़ो,
अरे वो घर वाले बोल रहे थे, मैं तो लगाया था नहीं, होते इंजेक्शन बहुत कम। ना ना उसको तुम वो खा ली दो, अभी तो एक इंग्लिश मुर्गा था मेरे, थोड़ा सा दूर है, इंग्लिश मुर्गा समझते हो ना, जिसके पाँच बड़ा होता है, जिसको कॉकरेल बोलते हैं, अरे जो फार्मी बच्चे नहीं आते क्या, उसको कुत्ते ने एक बार पकड़ा और छूट गया उसके मुंह से, फिर दोबारा पकड़ा तो जो उसका मालिक था पालने वाला, उसने कुत्ते को पत्थर मारा तो छोड़ दिया। अब तुम सोचो दो बार कुत्ते के मुंह से वो मुर्गा छूटा है, अब लाया तो बोलता यार ये क्या बचेगा, वो बोला नहीं ऐसा मत बोलो। फिर मैं उसके पास गया, 3 दिन मैंने उसको क्रोसिन पिलाया, 3 दिन मतलब वो ऐसा था कि भाई है ना बैठ भी नहीं पाता था, उसको कितनी जगह कुत्ते का वो लगा था दांत, मालूम है गर्दन के नीचे जो पीठ होती है ना उनकी, वहां दांत लगा था, उल्टे पर पे दांत लगा था, और जहां से लोग बीट करते हैं जो दुम होती ना दुम, वहां भी कुत्ते ने पकड़ा था। और आज वो मुर्गा माशाल्लाह घूम रहा है फिर रहा है, कोई टेटनस नहीं, कोई फेटनस नहीं, कुछ नहीं लगाए, सिर्फ ये और वही अपना देसी जुगाड़ लुकमा, ये क्या बोलते सरसों का तेल और हल्दी। सरसों का आज वो तेल हल्दी मुर्गे तो बकरों में भी बढ़िया अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, वो गर्मी के टाइम में, सर्दी के टाइम में दिया जाता ना। हाँ सर्दी में इनको पिलाया जाता है। हाँ वो किसी ने बताया था, मैंने भी बकरे में करा ना, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया उसने, मतलब हाँ फिर इन्हों के ज्यादा। लिए, इन्हों के लिए एक योगदान है, सरसों का तेल बकरी और गाय के लिए एक योगदान है, योगदान बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इनके जिस्म के अंदर। चमक भी अच्छी आती है। हाँ अरे चमक लाने की तो बहुत सी चीजें भाई, घोड़ा जीरा है वो खिलाओ, पेट ठंडा भी रहेगा, बॉडी में भी चमक आएगी, घोड़ा जीरा ये यूसुफ गोल की बुद्धि, पर वो सब चीजें तुम्हारे यहाँ नहीं मिलेगी ना, तकलीफ तो ये है। हाँ मिल जाएगी सब, वो तो उसमें मिल जाएगी, कहते हैं वो जो किराना की शॉप होती है ना, हाँ हाँ पंचारी की दुकान पे भी शायद मिल सकती है। बड़ी इलायची छोटी इलायची तो मिल जाती है, और चीजें भी मिलती हैं। एक हमारे यहाँ जंगल में पिपली करके आती है ना, जो दवाई आती है खांसी के लिए, अरे एक वो भी आती भाई, अगर ये क्या क्या बोलते उसका यार, गिलोय गिलोय, गिलोय हाँ गिलोय है, मैंने लगाई थी पेड़। है ना हाँ हाँ बकरी के बुखार के लिए बहुत मुफीद चीज है, गिलोय हमारे जंगलों में बहुत मिलती है। ला के अपने घर में लगा लो, मैंने लगाया था ऊपर 2 मंजिले में गया था। और जो जो इसकी डंठल आती है ना कौली वाली, जिससे पत्ते उगे होते हैं, वो डंठल समझ लो 2 इंच की 3 इंच की काट लो, 3 से 4 डंठल, और उसका टाड़ा बना के बकरी को पिला दो, कैसा भी बुखार रहने दो। और गिलोय भी ज्यादा असर कौन सी करती मालूम है, जो नीम के झाड़ पे चढ़ी हो, नीम के। हाँ जैसा गिलोय का बेल लाए तुमने और हाँ तुम्हारे घर के आसपास या घर के अंदर नीम का पेड़ है, बड़ा हो या छोटा हो उससे कोई निस्बत नहीं है, तो जब ये गिलोय नीम के साथ मिलती है ना, तो नीम की भी पूरे असरात इसके गिलोय में आ जाते हैं। तो दोनों का पाउडर मिक्स करके नहीं बना सकते हैं? हाँ जब काढ़ा बनाना तो दोनों को मिक्स करके बना दो तो भी चल जाएगा, हाँ नीम तो है यहाँ पे। और अगर नीम के ऊपर चढ़ी हुई बेल है तो खाली उसकी डंठल ही काम कर जाएगी, उबाल लो उसको, पानी अच्छा काढ़ा बना दो। हाँ हाँ वही करता हूँ, नीचे एक नीम का पेड़ लाऊंगा, नीचे लगा दूंगा ना पेट में। एक नीम का पेड़ लाओ, एक गिलोय का लाओ, दोनों को साथ में बड़ा करो। हाँ यार देखो कैसा लगा पट्टा, देखो चलो ठीक है भाई साहब, ठीक ठीक है आप है, करो, हाँ ठीक करते हैं ठीक आपसे बात। ठीक है, चल धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा यह अपना कट्ठा भी आ रहा है, सोच भी बढ़िया है। ये लोग ये